बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आज जो लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डिज़ाइन कॉन्सेप्ट। ओके जी, अब तक हम जो देख रहे थे, हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग को देख रहे थे। रिक्वायरमेंट ले ली हमने अब अपने कस्टमर से, उन्हें डायग्राम्स के थ्रू हमने फाइनलाइज कर लिया। यूएमएल डायग्राम्स, एक्टिविटी डायग्राम्स एंड यूज केसेस बनाए एंड देन डायग्राम्स में कन्वर्ट किया उसको, वो सब हमने किया। और अब हम किस तरफ जा रहे हैं कि अब हम डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं। बेसिकली डिज़ाइन क्या होगा कि अब हम देखेंगे कि हम जो रिक्वायरमेंट्स कस्टमर ने हमें दी हैं और जो बिज़नेस नीड हमें नज़र आई हैं या टेक्निकल कंसिड्रेशन जो हमने इकट्ठी कर चुके हैं, हम अब उनके अकॉर्डिंग हम एक मॉडल तैयार करेंगे। मॉडल एक्चुअल सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर जस्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, एक्चुअल सॉफ्टवेयर नहीं होता। यानी कि वो एक बिल्डिंग का एक, आप कह लें जैसे नक्शा, तो नक्शे को हम बिल्डिंग का मॉडल ही कहते हैं ना। तो बिल्कुल इसी तरह से हम नक्शा क्रिएट करेंगे, हम उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, बताएंगे, या आप यूँ कह सकते हैं कि एक फिज़िकली हम थोड़ा सा उसका मॉडल क्रिएट करके बताएंगे कि हमारा सॉफ्टवेयर इस तरह से नज़र आएगा या लुक होगा, उसकी लुक कैसे होगी। दूसरी बात, हम जो डिज़ाइन फेज के अंदर ही ये चीज़ देखेंगे कि हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने ये शुरू में बात देखी थी कि क्वालिटी जो है वो किसी भी काम की इम्पोर्टेंस जो है उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करती है। कि जो काम भी मैं कर रही हूँ या जो भी सॉफ्टवेयर तैयार कर रही हूँ या जो भी इंक्रीमेंट मैंने तैयार करना है, उसमें सबसे पहले मुझे क्वालिटी को देखना है। ठीक है, क्वालिटी और रिस्क जितनी उसके कम होंगे और क्वालिटी जितनी हाई होगी, उतना ही अच्छा मेरा काम समझा जाएगा। तो बेसिकली डिज़ाइन मॉडल के अंदर मैं क्वालिटी को भी इंश्योर कर रही होती हूँ और मुझे देख के पता चल रहा होता है कि अच्छा, अब मैं जो सॉफ्टवेयर तैयार करूँ उसकी क्वालिटी मेजरमेंट्स कितने ज़्यादा होंगे या उसको हम किस तरह से जनरेट करें कि वो इम्प्रूव फॉर्म में शो हो मुझे। इसके अलावा एक डिज़ाइन हम इसलिए करेंगे कि डिज़ाइनर जो है वो बेसिकली हमें बता रहा होता है, क्योंकि वो इतना आप कह लें कि एक्सपीरियंस्ड होता है और उसकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा अच्छी हो चुकी होती है कि वो हमें देख के डिज़ाइन बनाते हुए हमें बताता है और हमें उसके बाद में डिफ़ाइन करता है कि हमारे डिज़ाइन में क्या प्रॉज कॉन्स रह चुके हैं, आफ्टर रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो अभी भी स्टिल जो हैं वो अनडिफाइंड है, या हो सकता है कि हमारे जो सॉफ्टवेयर मेकिंग का जो प्रोसेस है उसमें कितना टाइम जो है वो मुझे ज़्यादा चाहिए होगा, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मुझे अंदाज़ा हो रहा है, या क्वालिटी को किस तरह से बेहतर बनाना है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें डिज़ाइन फेज के अंदर ही पता चलती हैं। डिज़ाइनर जो है वो असल में क्या करता है, डिज़ाइन किस तरह से क्रिएट करता है कि वो कंपोनेंट्स डिज़ाइन करता है, सॉल्यूशन डिज़ाइन करता है, वो नॉलेज देता है हमें कि किस तरह से हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो काम करेगा, या उसकी क्या क्या हम क्लासेस किस तरह से बना सकते हैं। उन क्लासेस के अंदर हमें डिफ़ाइन किया जाता है कि किस फेज की क्या वर्किंग है, किसकी क्या वर्किंग है। एलिमेंट्स को देखना, डिज़ाइनर जो है वो एलिमेंट्स को देखता है और उसके बाद हमें बताता है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स जो है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के दौरान वो ठीक से रिक्वायरमेंट इकट्ठी हुई है या नहीं इकट्ठी हुई। फिर बेसिकली इसी डिज़ाइन फेज के अंदर हमें ये पता चलता है कि कहीं ये आइट्रेटिव प्रोसेस जो वाला प्रॉब्लम ना हो, प्रॉब्लम है कि हमें दोबारा से रिक्वायरमेंट के पास जाना पड़ रहा है, रिक्वायरमेंट गैदर करनी पड़ रही है, लेकिन अभी भी हमारा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि अभी हमने सिर्फ रिक्वायरमेंट गैदर किया और अभी हमारी कोडिंग स्टार्ट नहीं हुई। कोडिंग के बाद दोबारा से रिक्वायरमेंट इकट्ठी करना एक मुश्किल काम होता है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो डिज़ाइन फेज के अंदर इन सारी चीज़ों को देखने के बाद और क्वालिटी और रिस्क को देखने के बाद हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हम किस तरह से चल रहे हैं और हमारा काम जो है वो किस तरह से चल रहा है। ओके, लुक हेयर के हम डिज़ाइन मॉडल किस तरह से तैयार करेंगे। पहले तो ये कि हमने एनालिसिस किया, एनालिसिस किस चीज़ का किया, रिक्वायरमेंट्स का। ऑब्वियसली एनालिसिस करने के बाद हम डिज़ाइन मॉडल की तरफ आते हैं। अब वो डिज़ाइन मॉडल की हम डिवाइड कर देते हैं कुछ डिफरेंट फेज में। सबसे पहले हम क्लास एलिमेंट्स को डिज़ाइन करेंगे
क्लासेस कौन कौन सी यूज़ करनी है। फिर हम आर्किटेक्चर एलिमेंट्स को डिज़ाइन करते हैं कि हमने उसमें आर्किटेक्चर किस तरह का क्रिएट करना है। देन हम इंटरफेस को देखते हैं कि हमने यूज़र इंटरफेस किस तरह से क्रिएट करना है और यूज़र इंटरफेस के ऊपर किस क्या क्या डिज़ाइन होने चाहिए, क्या क्या वर्डिंग होनी चाहिए, कंटेंट राइटिंग किस तरह से करनी है, इसको हम इंटरफेस एलिमेंट में देखते हैं। देन हम कंपोनेंट लेवल एलिमेंट को देखते हैं कि कंपोनेंट्स यानी कि हर जो काम हमने किया है या उसको क्लास में जब हमने डिवाइड किया और फिर हमने उसके अकॉर्डिंग एक क्लास कंप्लीट कर ली, एक कंपोनेंट कंप्लीट कर लिया, एक हमने यूज़र की एक रिक्वायरमेंट को कंप्लीट किया है, तो अब हमने उसको डिप्लॉय किस तरह से करना है, डिप्लॉयमेंट लेवल का एलिमेंट। तो डिप्लॉयमेंट किस तरह से होगी उसका डिज़ाइन भी हम क्रिएट करके बताते हैं। तो बेसिकली हम डायमेंशन इस तरह से क्रिएट करते हैं कि डिज़ाइन मॉडल के बाद हम डिफरेंट उसकी डिवीजन कर देते हैं ताकि वो हमें आसानी हो उसको डिज़ाइन करने में भी, और हम स्टेप बाय स्टेप उसको डिज़ाइन करके डिप्लॉय करते हैं। तो बेसिकली हम डिज़ाइन मॉडल के अंदर उसके एलिमेंट्स के तौर पर डेवलप करते हैं। एक सीक्वेंस फैशन हमेशा नहीं होता, हम आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन ये है कि एक तरह के ये लेवल्स होते हैं कि इन्हीं लेवल के अकॉर्डिंग जो है हम डिज़ाइन लेवल अपना कंप्लीट करते हैं, मॉडल को कंप्लीट करते हैं। उसमें यही बात जो हमने पहले पढ़ी कि डाटा क्लास डिज़ाइन करते हैं, कि क्लास एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं, एंड देन हम आर्किटेक्चरल डिज़ाइन को डिस्कस करते हैं, फिर इंटरफेस डिज़ाइन को हम डिस्कस करते हैं, कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन फिर आ जाता है, एंड देन लास्ट पे हम क्या करते हैं कि उसको डिप्लॉय किस तरह से करना है हम उसको भी डिस्कस करते हैं, और अपने डिज़ाइन मॉडल के अंदर इन सारी चीज़ों को हम डिस्क्राइब करते हैं। अब बेसिकली सॉफ्टवेयर डिज़ाइन मॉडल स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टास्क सेट कर देते हैं कि ये टास्क डिज़ाइनर परफॉर्म करेगा। सबसे पहले एग्जामिन करना, एग्जामिन करने में ये आता है कि हम ये देखना चाहते हैं कि हम हमारा डोमेन मॉडल क्या है। डोमेन मॉडल मतलब हमारा मेन मॉडल किसके मुतलिक बन रहा है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हमने डाटा और स्ट्रक्चर्स और उसकी एट्रीब्यूट्स बताना। एट्रीब्यूट्स मतलब उसकी खसूसियात बताना। हम उसका उसके ऑब्जेक्ट्स बताते हैं कि ये जो मेन मॉडल मैं कोई भी क्रिएट कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल एक मोबाइल ऐप अगर क्रिएट कर रही हूँ, तो उस ऐप के बेसिक जो उसका मेन पर्पस है वो, और फिर उसके अंदर जो हम ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं उनको, और उसकी उन ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स जो हैं उन सबको हम एग्जामिन कर लेते हैं। एग्जामिन करने का मतलब ये है कि हम डिफाइन कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है क्लियरली के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। हम पहले यही सबसे पहले करेंगे कि हम डोमेन मॉडल ढूंढें, उसका स्ट्रक्चर देखें, उसके ऑब्जेक्ट्स निकालें, उसके उन ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स को निकालें। उसके बाद हम क्या करते हैं, एनालिसिस मॉडल जो हमने किया था, एनालिसिस किया था अपनी रिक्वायरमेंट्स का, उसकी मदद से हम डिज़ाइन एक पैटर्न क्रिएट करते हैं, मतलब एक स्टाइल क्रिएट करते हैं कि उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग यूज़र के क्या रिक्वायरमेंट है, एक स्टाइल के अकॉर्डिंग या एक पैटर्न डिज़ाइन पैटर्न कैसा होना चाहिए। फिर उसके बाद हम डिज़ाइन मॉडल्स की मदद से ही पार्टीशन कर देते हैं कि एक डिज़ाइन बेसिकली क्या है, फिर मॉडल कौन सा है, उसका सब सिस्टम कौन सा है, और उस सब सिस्टम का आर्किटेक्चर कैसा होगा। या आप ये कह रहे हैं कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का मॉडल हम तैयार करते हैं, अब उस बिल्डिंग के फ्लोर वाइज अगर हम मॉडल भी तैयार करेंगे कि हर फ्लोर पे कितनी शॉप्स हैं, ठीक है, बिल्डिंग प्लाजा है उसकी कितनी शॉप्स हैं, हॉल की क्या है स्ट्रेंथ है, ऑफिस कितने होंगे वहाँ पर, या मॉल की डायरेक्शन कैसी होगी, जो आपकी लिफ्ट वगैरह है वो किस साइड पे होंगी या स्टेयर्स किस तरफ होंगी। तो ये सारा आप क्या करते हैं, फ्लोर वाइज जब आप इसको क्लियर करते हैं तो आप क्या कहेंगे कि पार्टीशन कर देते हैं आप अपने मॉडल की, उसको एनालिसिस के ऊपर आप उसके सब सिस्टम के अंदर पार्टीशन करके आप मॉडल एक क्रिएट करते हैं और हर सब सिस्टम का आर्किटेक्चर भी डिफाइन करते हैं। एट द एंड जाकर आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का पहला जो आपका पार्ट था उसको क्रिएट करते हैं, यानी कि आप क्लासेस डिज़ाइन करते हैं, और सबसे पहले आप क्लासेस क्रिएट करते हैं। क्लासेस मतलब जैसे हम कह रहे हैं कि एक बिल्डिंग के फ्लोर्स हैं, ठीक है, तो फर्स्ट फ्लोर पर उसकी फॉर एग्जांपल एक
एक साइड कह लें शॉप्स की, वो डिजाइन करना एक क्लास कहलाएगा, दूसरी साइड डिजाइन करना दूसरी क्लास कहलाएगा। यानी कि हम अपने हमने सब सिस्टम को भी आगे से डिवाइड कर दिया है, तो अब उन क्लासेस को डिजाइन करना, उन पार्टीशंस को डिजाइन करना, हमारा क्लासेस या कंपोनेंट्स को डिजाइन करना, यहाँ से हम काम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर हमारा वही टास्क होता है कि हम क्लासेस को डिज़ाइन करने के बाद इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं, और इंटरफेस से भी पहले हम उसका एक्सटर्नल सिस्टम या डिवाइस जो हमें रिक्वायर होती है उसको हम बताते हैं कि हमें आर्किटेक्चर किस तरह का चाहिए, एंड देन हम डिज़ाइन करते हैं यूज़र इंटरफेस, और फिर उसको कंपोनेंट लेवल का डिज़ाइन उसका बनाते हैं। यानी कि पूरा कंपोनेंट, जैसे आप कह लें कि यूज़र इंटरफेस, आप कह लें कि एक बिल्डिंग की का अंदर का इन्वायरमेंट कैसा होगा, एक फ्लोर पर खड़े होकर वो बिल्डिंग या वो प्लाजा किस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखें कि एक फ्लोर जब कंप्लीट डिज़ाइन हो जाए तो हम उसको कहते हैं कि ये कंपोनेंट, पूरा एक कंपोनेंट तैयार हो चुका है। फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग के 5 फ्लोर्स हैं, तो उसमें से एक फ्लोर की तैयार होना, डिज़ाइन तैयार होना हमारा एक कंपोनेंट का तैयार होना है। तो उस इस लेवल पर, लास्ट लेवल पर आकर हम कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन तैयार करते हैं, एंड देन लास्ट पे हम ये बताते हैं कि एक डिप्लॉयमेंट मॉडल किस तरह से डेवलप किया जाता है। यानी कि जो सॉफ्टवेयर मैं तैयार कर रही हूँ, जो बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, तो बेसिकली वो बिल्डिंग किस तरह से नज़र आएगी, उसकी पार्किंग कहाँ होगी, उसका गेट कैसे होगा, गेट हमें कैसे नज़र आएगा, या वो सड़क से कितने फासले पर होगा, तो ये सारी चीज़ें हम कहते हैं कि डिप्लॉयमेंट लेवल पर आकर हम उसको डिप्लॉय कर रहे होते हैं कि एक सॉफ्टवेयर या एक बिल्डिंग या एक मॉडल जो हमने तैयार किया उसे हम डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं। एक अच्छे डिज़ाइन की क्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर डिज़ाइन की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं होगी और उस पर हम रिस्क मेजरमेंट नहीं करेंगे और हम ये देखेंगे कि जी जैसा भी है बस तैयार हो जाए, एक मॉडल ही जो है कौन सा रियल काम हो रहा है, लेकिन अगर हम डिज़ाइन के अंदर क्वालिटी को इंश्योर नहीं करेंगे और रिस्क कम से कम नहीं करेंगे, तो कभी भी हमारा एक्चुअल काम जो है वो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जब हम मॉडल एक तैयार कर रहे हैं तो अगर उसके अंदर हम क्वालिटी को इंश्योर करते हैं तो उसी हिसाब से हमारा जो एक्चुअल डिज़ाइन है वो भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि देखिए डिज़ाइनर जो है वो एक डिफरेंट पर्सन है और कोडिंग करने वाले डिफरेंट पर्सन है। अब अगर डिज़ाइनर जो है वो क्वालिटी को नहीं देखता और वो ये देखता है कि अच्छा जी मॉडल ही तो है, कौन सा एक्चुअल चीज़ है, लेकिन कोडिंग करने वाला उसी मॉडल को कोड कर रहा है और जस्ट ट्रांसलेट कर रहा है, और वो नहीं देख रहा कि क्वालिटी, क्योंकि उसका काम नहीं है, वो सिर्फ कोडिंग ही करेगा। तो क्वालिटी मेजरमेंट और रिस्क मेजरमेंट जो है वो डिज़ाइनर ने करनी है, कि डिज़ाइन मॉडल डिज़ाइन करते वक्त उसके अंदर जितनी भी क्वालिटी प्रॉब्लम्स हैं या रिस्क प्रॉब्लम्स हैं, रिस्क मेजरमेंट्स हैं, उनको वो निकाला जाए और क्वालिटी बेहतर से बेहतर बनाई जाए। क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन जो है वो असल में एक तरह का आप कह लें कि टेक्निकल रिव्यूज़ हैं जो कि थ्रू आउट आपको बताती हैं कि एक डिज़ाइन आपको थ्रू एक बिल्डिंग को देख के, एक बिल्डिंग का मॉडल देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि ये बिल्डिंग कितनी पायदार है, कितनी नापायदार है, और इस बिल्डिंग के अंदर कितने प्रोज एंड कॉन्स शामिल हैं। इस सॉफ्टवेयर को देखने से मुझे उसकी वर्किंग भी पता चल रही है और मुझे ये भी पता चल रहा हो कि अगर कोई रॉन्ग वे में इसको यूज़ करेगा तो क्या क्या इसके आंसर्स हो सकते हैं। ऐसा ना तो नहीं होगा कि अगर 5 दफ़ा लॉगिन जो है वो गलत हो गया तो आपका सॉफ्टवेयर ही क्रैश कर जाए। तो ये सारी क्वालिटी प्रॉब्लम्स होती हैं और ये डिज़ाइनर ने देखनी होती है, और डिज़ाइनर जब अपने मॉडल के अंदर इन चीज़ों को इंश्योर करता है और बेहतर बनाता है तो ये प्रोबेबिलिटी होती है कि उतना ही अच्छा हमारा सॉफ्टवेयर क्रिएट होगा जितना कि अच्छी क्वालिटी हम अपने डिज़ाइन फेज के अंदर क्लियर करते हैं। हम एक मॉडल को डिज़ाइन किस तरह से करते हैं उसके कुछ कॉन्सेप्ट ये हैं कि सबसे पहले हम एब्स्ट्रैक्शन होती है डेटा की, प्रोसीजर और कंट्रोल की, फिर उसे रिफाइनमेंट किया जाता है यानी कि एलैबोरेट किया जाता है एब्स्ट्रैक्शन को। उसके अलावा फिर मॉड्यूलरिटी होती है कि कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ डेटा एंड फंक्शन होती है जिसमें हम
सेगमेंट कर लेते हैं उनके दरमियान डाटा और उसकी फंक्शन के दरमियान। फिर आर्किटेक्चर में हम ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर बताते हैं, प्रोसीजर में हम एल्गोरिदम बताते हैं, और हाइडिंग में हम कंट्रोल्ड इंटरफेस यानी कि इंटरफेस जो हमारे सामने आ जाता है हम उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले डेटा एब्स्ट्रैक्शन होती है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन असल में असेंशियल एलिमेंट्स को कलेक्ट करना और एक कंपाउंड डेटा को क्रिएट करना है, इसको हम कहते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। जैसे अभी आपके सामने जो पिक्चर है वो एक डोर की है जिसका हम बनाना चाह रहे हैं लॉक बनाना चाह रहे हैं, फिंगरप्रिंट लॉक हो सकता है। तो अब हम डोर की एब्स्ट्रैक्शन ये करेंगे कि हम उसकी प्रॉपर्टीज़ निकाल लेंगे, मैन्युफैक्चरर कौन होगा, टाइप क्या होगी, स्विंग डायरेक्शन किस तरफ होगी डोर की, इंसर्ट्स क्या क्या होंगे, लाइट्स किस तरफ होंगी, वेट उस डोर का कितना होगा, ओपनिंग मैकेनिज्म किस तरह से होगा यानी कि की होगी, फिंगरप्रिंट होगा या क्या चीज़ होगी, पासवर्ड होगा। तो इसको हम कहते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अभी हमने जस्ट डेटा की एब्स्ट्रैक्शन को डिज़ाइन किया है, हमने यहाँ ये बताया कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, मैन्युफैक्चरर क्या किस टाइप का होगा, वुडन होगा, लोहे का होगा, किस टाइप का होगा, टाइप उसकी क्या होगी, स्विंग डायरेक्शन किस तरफ होगी, रूम के अंदर रूम के बाहर, इंसर्ट्स क्या क्या होंगे उसके अंदर, लाइट्स क्या होंगी, वेट क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम जब बताते हैं तो हम इसको कहेंगे कि ये डाटा एब्स्ट्रैक्शन है, डाटा की एक एब्स्ट्रैक्शन लुक हम दे। इसके बाद हमारे पास आ जाती है रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट यानी कि डोर ओपन होने से क्या होगा, कि डोर ओपन हुआ, डोर ओपन होने की क्या क्या स्टेप वाइज रिफाइनमेंट, क्या क्या प्रोसीजर होगा, कि हम डोर तक जाएंगे, नॉब को खोलेंगे, डोर ओपन होगा, डोर ओपन हुआ फिर वो स्विंग हुआ, स्विंग होने के बाद दोबारा से उसने हम एंटर हो गए अंदर, और फिर हमने डोर को पकड़कर दोबारा बंद किया, और फिर उसकी की घुमाई, नॉब घुमा दी, लॉक हो गया। ये सारा काम जो हुआ स्टेप वाइज इसको हम कहते हैं रिफाइनमेंट, यानी कि काम किस तरह से होगा। मॉडल के अंदर ये भी बताया जा रहा होगा कि चीज़ किस तरह ओपन होगी और ओपन होने के बाद क्या क्या स्टेप के रिपीट होंगे, और उन स्टेप के बाद किस तरह से हमारा काम जो है वो क्लोज होगा। प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन के अंदर हम एल्गोरिदम लिखते हैं। एल्गोरिदम के अंदर यानी कि हम एक डिटेल एल्गोरिदम लिखेंगे जिसमें एक डोर के ओपन होने, लोग बंदे के आने और फिर उसका डोर का दोबारा बंद होना, ये सारी चीज़ें हम डिफाइन करेंगे। जैसे आपके सामने जो पिक्चर है उसके अंदर लिखा हुआ है कि हम एक ऑब्जेक्ट, हमने एक पर्सन बनाया है और अब उसके ओपन करने का एल्गोरिदम जो है वो लिखा जाएगा और उसे एसोसिएट कर दिया जाएगा, यानी कि हम डिज़ाइन फेज के अंदर एल्गोरिदम के ज़रिए से बताएंगे कि वो किस तरह से अंदर। फिर हमारे पास आ जाती है इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इसमें यह होता है कि हम क्या करते हैं कि हम इंफॉर्मेशन हाइड हम कर रहे होते हैं एक कंट्रोल्ड इंटरफेस के अंदर। मतलब ये कि इसके अंदर हम एक इंटरफेस क्रिएट करते हैं, बेसिकली उस इंटरफेस के ऊपर ना तो एल्गोरिदम नज़र आ रहा होता है, डाटा स्ट्रक्चर भी उसके बैकएंड पे होता है, एक्सटर्नल इंटरफेस भी उसके बैकअप पे होता है, और एलोकेशन पॉलिसी क्या होगी वो सब कुछ, डिज़ाइन का एक पूरा डिसीजन जो है वो उसके अंदर महफूज होता है, वो हमें नज़र नहीं आ रहा होता, हमें सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट को एक इंटरफेस शो हो रहा होता है जिसकी मदद से हम उस चीज़ को कर रहे होते हैं। देखें एक डोर के अंदर क्या मैकेनिज्म अप्लाई किया गया ये जस्ट डिज़ाइनर को पता है, एक यूज़ करने वाले को जस्ट उसके ओपन करने का मेथड पता है कि हमें यूँ ओपन करना है और इस तरह से बंद करना है। तो मेरे लिए एक डोर का एक सामना, एक इंटरफेस जो है वो ही जस्ट, इसको हम कहेंगे कि वो मेरा यूज़र इंटरफेस है, कंट्रोल्ड इंटरफेस है जिसे मैंने यूज़ करना है। अब आ जाते हैं डिज़ाइन क्लासेस की टाइप्स पे। डिज़ाइन क्लासेस हमारा सबसे पहला मतलब पे है, उसमें कितनी टाइप की क्लासेस होती हैं। यूज़र इंटरफेस क्लास होती है जिसमें ये पता होता है कि कंप्यूटर को यूज़ करने वाला इंटरफेस कौन सा होगा, यानी कि जो मेरे पास सामने इंटरफेस किसी भी सॉफ्टवेयर का शो होता है इसकी हम बात कर रहे हैं, उसकी क्लासेस बनाई जाती हैं। देन हम बिजनेस डोमेन क्लास बनाते हैं जिसमें हम बताते हैं कि एनालिसिस क्लास के अंदर क्लासेस की जाती हैं, यानी कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स उनको हम डिस्कस करते हैं।
प्रोसेस क्लासेस के अंदर हम बेसिकली बिजनेस क्लास में जो हमारे पास चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन के लिए निकली थी, एलिमेंट्स निकले थे, हम उन्हें प्रोसेस क्लासेस के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं और उनके ऊपर वर्किंग की जाती है। प्रिजिस्टेंट क्लासेस वो ऐसी क्लासेस होती हैं जो कि डेटा, जो हमने डेटा स्टोर किया है सॉफ्टवेयर की एग्जीक्यूशन के लिए, उसको, उन क्लासेस को या उस डेटा को शो करती हैं। एंड द एंड सिस्टम क्लासेस वो क्लासेस होती हैं जो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट और जो है वो यूज़ करता है, फंक्शंस जो कंट्रोल करते हैं तमाम, ऐसी क्लासेस जो सिस्टम किस और सॉफ्टवेयर के दरमियान एक तरह का आपस में इंट्रैक्शन करवाती हैं, या वो क्लासेस जो सिस्टम के साथ मिलकर काम करती हैं वो सिस्टम क्लासेस कहलाती हैं। होप सो आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। फर्दर अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।